प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हमारे प्रिय कार्यक्रम डेली ब्रेड के अंदर आप सबका फिर से एक और बार अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है और आगे भी आपको संभालेगा। मेरे प्रिय लोगों, आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। दिन भर हमें जय के उत्सव में लेके चला और अब इस समय प्रभु इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में तेरा वचन, स्तुति, आराधना, ये सब कुछ करना चाहते हुए प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। तू ऐसा करने के लिए हमें बल दे। आत्मा और सच्चाई से हम तेरा भजन करें और आत्मा से विभोर होकर तेरे वचन को सुने और उस पर चलने का प्रयास करें। हम घटे और आप बढ़े, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय लोगों, ये समय होगा कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, वो मिलकर हमें आराधना में ले जाएंगे। आइए हम आराधना में चले। पास्टर एनोश हमारे साथ है, वो ही हमें आराधना में लेके चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे हाथों को उठा के बोले प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। मिलके गाएंगे जीवित यीशु की आओ आराधना करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना। भजवा के
ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को महिमा दे, ओ उसके नाम को ऊंचा करे। कम ऑन, अपने मुंह को खोले, उसे धन्यवाद दे, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद यीशु, तेरी जय जयकार हो। इन विषम परिस्थितियों में प्रभु हमें मार्ग दिखा, हमें तू चला प्रभु, तेरी अगुवाई चाहते प्रभु, तेरा नियंत्रण चाहते हैं हमारे ऊपर। देखूं मैं जब तेरे खुशी से तेरे बिन ये जीवन बेचैन, आंधी में तुम शरण स्थान। गाएंगे बिल्कुल। देखूं मैं जब तेरे खुशी से हिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन पे जा, आंधी में तू शरण स्थान। मार्ग दिखा मेरे कुरान, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको छुड़ा, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता, मेरा दिल तुझे मैं हूं ना दा, सिर्फ तू है मेरी आशा, हाँ मेरा दिल तुझे मैं हूं ना दा, सिर्फ तू दुख में तू आंसू को सा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, संकट में के बोले मार दिखा मेरे खुदा पाप से मेरा दिल तुझे मैं हूँ
सिर्फ वही हमारी आशा है, वही हमारा दृढ़ गढ़ है, वही हमारा शरण स्थान है, वही है जो हमें मार्ग दिखाता है। यस लॉर्ड, वी सरेंडर आवरसेल्व्स टू योर माइटी हैंड। तेरे हाथों में ये हमारा जीवन है प्रभु, इसे तू चला, तू नियंत्रण कर। जय मसीह की। सब भाइयों को और डेलीवरेट के प्रोग्राम करने वाले सब सबकी जय मसीह की। हे मेरे पिता, लॉकडाउन में हमें पूरा पूरा संभाला है मेरे पिता, तुम्हारी जय जयकार हो मेरे प्रभु। हे मेरे पिता, तुम्हारी जय जयकार हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करना नहीं जानता था और न बाइबल पढ़ना जानता था। हेलो माता, हे प्रभु, मैंने ऐसे प्रेरणा मिली है, मैं अभी प्रार्थना भी करना जानता हूँ और बाइबल भी पढ़ता हूँ। और प्रार्थना हमारे लोरेंस भैया और सुशीला जी ने पूरी पूरी लॉकडाउन में कोशिश की है, इसलिए मैंने संभाला मेरे प्रभु। तुम्हारी जय जयकार हो मेरे पिता। हे प्रभु, और पास्टर फैमिली ने भी धन्यवाद हो प्रभु, तुम्हारी जय जयकार हो प्रभु। मैं मेरे धंधे से इतना बेरोजगार हो गया था प्रभु, जो एक एक रुपये का मोहताज हो गया था प्रभु। मैं वो भी पास्टर फैमिली ने मुझे संभाला है प्रभु, फोन कर करके बुलाया प्रभु, जो भी पेशेंट चाहिए कुछ चाहिए संभाला है। दादाजी दादी ने बहुत फोन किया प्रभु, हमारे बहुत संभाला लॉकडाउन में। धन्यवाद हूँ मेरे पास्टर फैमिली के लिए प्रभु। जय जयकार, जय मसीह। प्राइज द लॉर्ड। जैसा अभी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमने अभी प्रभु की आराधना किया है, और आशा करते हैं आप सबको आनंदित हुए होंगे आप सब, और प्रभु ने आपको आपकी आराधना को स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और वचन को सीखने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और उसकी 12 पद से लेकर 14 पद तक हम पढ़ेंगे, और फिर उसमें से कुछ बात को सीखेंगे। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। प्राइज द लॉर्ड। 12वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हैं और उनमें से एक भटक जाए। तो मेरे प्रियो, इस आयत को हमने 3 टुकड़ों में सीखने का प्रयास किया। पहली थी भेड़ की और बकरी की क्वालिटी क्या होती है, बकरी का स्वभाव क्या होता है, भेड़ का स्वभाव क्या होता है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने कल देखा था कि भेड़ भटक गई, भेड़ जो है वो खो गई। तो भेड़ कहाँ खो गई, कैसे खो गई, क्यों खो गई, इन बातों को कल हमने परमेश्वर के वचन में देखा था। अब आज जो है वो तीसरा जो शब्द है वो ये है, किसी मनुष्य की। ये जो किसी मनुष्य है ये कौन है, इस मनुष्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये मनुष्य जो है वो जिसके पास भेड़ें होती है, जिसके पास भेड़ें होती हैं, उसको हम ग्वाला बोलते हैं। हमारी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में ग्वाला बोलते हैं, एमपी में भी ग्वाला बोलते हैं, और बहुत सारी जगहों पे ग्वाला बोलते हैं। और वैसे उसका शाब्दिक अर्थ है, हिंदी में देखते हैं तो वो एक चरवाहा है।
तीसरा एक और है, इंग्लिश में बोलते हैं तो शेपर्ड है। तो शेपर्ड का मतलब है जिसके पास शीप होती है, वो भेड़, जो भेड़े पालन करता है, भेड़ बकरियों का पालन करता है, उनको हम चरवाहा बोलते हैं और उनको हम ग्वाला बोलते हैं, शेपर्ड। आज तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने नाम के आगे पास्टर लगाता है। पास्टर आप जब ही बनते हैं जब आपके पास भेड़े हो। आपके पास भेड़ ही नहीं है फिर भी आप पास्टर हैं, पास्टर विदाउट शीप, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप अगर एक इवेंजलिस्ट हैं तो आप अपने आप को एक इवेंजलिस्ट कहें कि मैं एक सुसमाचार प्रचारक हूँ, मैं सुसमाचार को लिए फिरता हूँ। लेकिन हर व्यक्ति को अपने आप को पास्टर कहलाना बहुत अच्छा महसूस होता है, भले ही उसके पास भेड़ हो या ना हो। लेकिन असलियत में देखा जाए तो अगर आपके पास, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप अगर बोलते हैं मैं पास्टर हूँ, मैं शेपर्ड हूँ, मैं चरवाहा हूँ, तो तुरंत दूसरा सवाल ये आ जाता है कि भाई आपके पास कितनी भेड़ें हैं। और जब कितनी भेड़ें हैं बोला जाता है तो फिर वहाँ हम जो है विफल हो जाते हैं, या फिर हम झूठ बोलते हैं या फिर हम गलत बात बोलते हैं। तो यहाँ जो तीसरा जो शब्द है वो है चरवाहा, लेकिन यहाँ इसको चरवाहे के रूप में नहीं पेश किया गया है। यहाँ ये कहा गया कि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़े थी। अब किसी मनुष्य के पास 100 भेड़े थी तो वो मनुष्य कौन है जिसके पास 100 भेड़े थी? वो कोई ना कोई चरवाहा है जिसके पास 100 भेड़े थी। और भी बहुत सारी भेड़े हैं। अब देखिए, अगर हम चरवाहे के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमको जाना पड़ेगा यूहन्ना के 10वें अध्याय के अंदर, और उस 10 अध्याय के पहले पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा और समझ में आएगा। पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है। कई लोग जो हैं वो भेड़शाला में किसी और प्रकार से रास्ते से नहीं जाते हैं परंतु बेरास्ते जाते हैं। ठीक है, भेड़ तो किसी और की है, भेड़ तो किसी और की है, लेकिन मान लीजिए चरवाहा वहाँ नहीं है तो आप घुस गए काई में, भेड़शाला में या उस परिवार में, और जाकर कोशिश की कि दूध दू करके निकल लूं। ये कौन है उनके विषय में प्रभु कहता है परंतु और किसी और से नहीं चढ़ता, वह चोर और डाकू है। जो पास्टर आपके पास्टर के साथ आपके परिवार में विजिट नहीं करता उसकी मनसा ठीक नहीं है, ध्यान रखना। जो पास्टर आपके पास्टर के बिना आपके घर में चुपचाप से आते हैं और चले जाते हैं, आपका शेपर्ड कोई और है, लेकिन दूसरा शेपर्ड आकर के आपके घर में दुआ करके प्रार्थना करके और निकल लेता है चुपचाप से, पता ही नहीं चलता। उनको प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, द्वार से भेड़शाला में, द्वार का मतलब तरीके से, रास्ते से। रास्ता क्या है भाई? जिसकी भेड़ है उसके संग जाओ, दूसरे की भेड़ के पास जाना ही क्यों? आप देखिए, अगर कोई किसी दूसरे की भेड़ के पास जा रहा है इसका मतलब उसकी मनसा ठीक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो कभी किसी दूसरी भेड़ के पास जाता नहीं। दूसरी भेड़ के पास जाने का मतलब है आपका इरादा यह है कि उस भेड़ को बहला पुसला कर या तो अपनी भेड़शाला में लेके चले जाए या फिर कम से कम उसका उस दिन तो दूध दू करके निकल लें। दूध का अधिकारी कौन है? उसका असली जो चरवाहा है। लेकिन दू के कौन निकल गया? आप निकल गए, तो आप कौन है? चोर और डाकू की श्रेणी में है। आगे बढ़िए ब्रदर। वह चोर और डाकू है, और वो चोर और डाकू है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, जो तरीके से आता है, जो नॉक करके आता है, जो रास्ते से आता है, जो सही तरीके से एंट्री लेता है आपके परिवारों में, वह भेड़ों का चरवाहा है। भेड़ों का क्या है? असली चरवाहा है।
और देखिए आपका चरवाहे को तो आपके ऊपर अधिकार है कि वो आपके घर में कभी भी आ सकता है और कभी भी आपके साथ फेलोशिप कर सकते। चलिए आगे बढ़े। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। हाँ, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस धरती पर यीशु मसीह सबसे अच्छा चरवाहा है। और जब हम आराधना करते हैं हम उस अच्छे चरवाहे को अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। और द्वारपाल कौन है ये समझ लीजिए, हम जो धरती पर जिनके पास परमेश्वर की भेड़े हैं। देखिए अगर आप इस बात को अच्छी रीति से समझें, जितनी भी भेड़े हैं कलीसिया में जो आई हैं, जो भेड़े थीं और भटकी हुई थीं, उनको भटकियों को ला करके कलीसिया तक पहुंचा दिया गया, या वो कलीसिया तक आ गई या वो भेड़शाला में आ गई। अब उस भेड़शाला में एक द्वारपाल है। वो द्वारपाल कौन है मालूम है? वो पास्टर जो उनकी चरवाहा करने के लिए रखा गया है। और सच्चा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। अब बाइबल बोलती है, यहां पर वो बोलता है उसके लिए वो द्वार खोल देता है। किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। कलीसिया का द्वार हमेशा खुला हुआ है। शैतान के लिए हमारा दरवाजा बंद है। यीशु जो भेड़ों का महान रखवाला है, सच्चा चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वारपाल कौन है? हम पासवान। हमें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत और बहुत सारी बातें जो बोली उनको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने एक नेक सामरी की कहानी बताई। उस नेक सामरी की कहानी में जो सामरी है, सामरी का मतलब यह है दयालु है, कृपा से भरा हुआ है, अपना सर्वस्व दूसरे पर खर्च करने को तैयार है, वो एक असली चरवाहे की वहां पर पिक्चर दिखाई जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद वो निक सामरी उसे उठाता है और सराय में ले जाता है। ये सराय क्या है? कलीसिया। सराय क्या है? कलीसिया। और सराय का मालिक, मालिका है, सराय के मालिक को बुलाकर कहता है कि ये जो है इसको मैं तुझे हैंड ओवर करके जा रहा हूं, तू ये जख्मी हुआ हुआ है, चोटिल हुआ हुआ है, और मैं जो है इसको तेरे हैंड ओवर करके जा रहा हूं, सर तेरी सराय में एडमिट करा के जा रहा हूं, और इस पर जो खर्च आ रहा है वो भी मैं तुझे दे करके जा रहा हूं, और यदि ज्यादा लगेगा तो मैं फिर आऊंगा और तुझे दूंगा। तो ये यीशु मसीह है। नेक सामरी की जो पिक्चर आ रही है वो यीशु मसीह है, नेक चरवाहा, असली चरवाहा। और जो सराय का मालिक है वो कलीसिया का पासबान है, यूं समझ लीजिए। क्योंकि हमें भेड़े किसकी है? भेड़े, आप एक बात ध्यान रखना, भेड़े यीशु मसीह की है। कैसे पता है आपको? अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय में आए, वहां पर अगर अपन देखें तो 15 पद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जरा पढ़े। भोजन करने के बाद यीशु ने सेमोन पत्रस से कहा, हे सेमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर का मतलब वो मछलियां जो पकड़ी थी उनसे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, उसने यीशु को उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। किसको चरा? मेरे मेमनों को चरा। किसको चरा? मेमने यीशु मसीह के हैं। और वो अपने प्यार करने वाले एक चरवाहे को या एक द्वारपाल को या एक सराय के मालिक को, या यूं समझ लीजिए इस समय वो पतरस से बात कर रहा है और पतरस से कह रहा है मेरे मेमने चराने। तो मेमने किसके हैं? यीशु के हैं। कोई भी पास्टर ये नहीं बोले मेरे हैं।
हम तो केवल द्वारपाल हैं भाई, हम तो द्वारपाल हैं, और जो असली चरवाहा आएगा तो द्वार खोलना ही पड़ेगा। और हम तो कहते हैं हमारे हमारा तो पत्ता भी नहीं हिलता असली चरवाहे के बिना, और असली चरवाहा यीशु मसीह है। अच्छा चलिए और आगे बढ़े। दूसरी बार यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, दूसरी बार फिर पूछा, हे सिमोन, हाँ, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, उसने उससे कहा, तो उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। आगे उसने उससे कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। किसकी भेड़? मेरी भेड़। किसकी है? यीशु मसीह कह रहा है मेरी भेड़े हैं, मेमने मेरे और भेड़े भी मेरी है, और मेरी भेड़ों को क्या करना है? तुझे चराना है। मेरे अजीजों, हम भेड़ों को केवल क्या करते हैं? चराते हैं। और अगर हम उन भेड़ों को चराते हैं जो भेड़शाला में होती हैं, तो द्वारपाल का फर्ज और कर्तव्य भी है। फर्ज ये है कि वो भेड़ों को चराए, उनकी सुरक्षा करे, उनकी देखभाल करे, उनका हारी बीमारी का ध्यान रखे, उनके भले बुरे के बारे में उनका बारे में सोचे, बकरियों को रोज भेड़ों से अलग करे, कहीं मार मूर के जख्मी ना कर दे और ठोकर ना लग जाए। ये सब बातें जो द्वारपाल है उसकी ड्यूटी है। किसी मनुष्य के पास 100 भेड़े थी। अब आपको समझ में आया होगा ये किसी मनुष्य कौन है? ये यीशु मसीह स्वयं अपने लिए बोल रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अच्छा तीसरी और बात यूहन्ना 21 में फिर मिलती है, पढ़िए। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। तीन बातें यहाँ पर हैं। मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ें किसकी हैं? शीप्स बिलोंग्स टू जीसस। वी आर ओनली लाइक ए केयर टेकर। वो जो सामरी का पिक्चर है वो यीशु मसीह का पिक्चर है, यीशु मसीह को दर्शा रहा है। ये किसी मनुष्य के 100 भेड़े थी, वो किसको दर्शा रहा है? वो अपनी भेड़ों को, भटकी हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के धरती पर आया और हमसे उनको ढूंढ के लाकर हमें दे गया कि तुम इनको चराना, तुम इनकी रक्षा करना, तुम इनकी रखवाली करना। और जो असली बात यह है, वो जो सराय के मालिक को बोलता है, ये 2 दिनार तो तू पकड़, और जो तेरा और निकलेगा मैं दोबारा आऊंगा जब तुझे दे दूंगा। मेरे अजीजो, तो जो द्वारपाल है उसका अधिकार है कि वो भेड़ों की और मेमनों की चराई करे और भेड़ों की रखवाली करे, और उस रखवाली के बदले भेड़ों का दूध, भेड़ों का ऊन, ये सब कुछ फिर किसका है मालूम है? द्वारपाल का। ये द्वारपाल की मेहनत का प्रतिफल है। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह ये नहीं बोलेगा कि भाई तूने मेरी भेड़ को दुआ क्यों नहीं। वो तो अगर हम दुएंगे नहीं तो आप समझ लीजिए, एक एक भेड़ को अगर दुआ नहीं जाए या भेड़ की ऊन उतारी ना जाए समय पर, तो भेड़ कैसी भेड़ हो जाएगी? वो तो समय समय पर उनका फर्ज और कर्तव्यों को निभाना ये काम है। पर असली चरवाहा यीशु मसीह अपने आप को बता रहा है। हम इस धरती पर यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक द्वारपाल हैं यूं समझ लीजिए, एक सराय के मालिक हैं यूं समझ लीजिए, और आपको प्रभु हमें हैंडओवर करता है। और किन्हें हैंडओवर करता है? जो यीशु को प्यार करते हैं। पतरस यीशु को प्यार करता था, इसलिए यीशु मसीह ने ये तीनों जिम्मेदारियां उसको दी। जो यीशु से प्यार करेगा उसको यीशु मसीह अपने मेमने देगा, जो यीशु से प्यार करेगा उसको यीशु मसीह अपनी भेड़ें देगा, और जो यीशु से प्यार करेगा यीशु मसीह उनको भेड़ों की रखवाला और भेड़ों की सुरक्षा के लिए और भेड़ों की चराई के लिए नियुक्त करेगा। और जब कोई द्वारपाल को हम नियुक्त करते हैं तो मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है। हम
हम उसकी बागान में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं सिर्फ। और जब हम काम करते हैं तो उस बागान में, तो उस बगीचे में, तो उसका अंदर से प्रतिफल हमको मिलता है। तो आज शाम मैंने आपको बताया कि चरवाहे की ड्यूटी क्या होती है और चरवाहे का काम क्या होता है, चरवाहा कैसा होना चाहिए। कुछ बातें एक अच्छे चरवाहे के लिए हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का 10वां अध्याय और उसके आगे पढ़ेंगे। जरा जल्दी से पढ़ते हैं। उसकी आप उसके, एक काम करिए, उसके लिए आप एक काम करिए, 11 पद से। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। दिस इज द मेन क्वालिटी मेरे अजीजों। अच्छा चरवाहा तो केवल यीशु मसीह है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हम तो द्वारपाल हैं भाई, हम प्राण नहीं दे सकते। जितना आपके लिए यीशु मसीह ने किया वो हम नहीं कर सकते हैं। आगे, मजदूर जो ना चरवाह है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। आगे, और भेड़िया उन्हें पकड़ता, भेड़िये उन्हें पकड़ते हैं और तितर बितर कर देता है, तितर बितर कर देते हैं, और वह इसलिए भाग जाता है, वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है, कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। अच्छा चरवा मैं हूँ, यीशु कहता है अच्छा चरवा मैं हूँ। मेरे से पहले जितने आए सब ने तुम्हें लूटा है, सब चोर और डाकू थे, लेकिन यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। आगे पढ़ दो। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़े मेरा, मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, भेड़े भी मेरा शब्द सुनती हैं, जानती हैं, जैसे पिता मुझको जानता है, जैसे पिता मुझे जानता है मेरी भेड़े भी मुझे जानती हैं, और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ, मैं अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए देता हूँ। मेरी और भी भेड़े हैं, मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला में अभी आई नहीं है। इसका मतलब ये मुझे उनको भी लाना अवश्य है, भी प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो लाए, और लगातार ये क्रम जारी है मेरे प्रियो। आज भी कलीसिया के द्वार खुले हुए हैं, भेड़शाला में भेड़े आ रही हैं, द्वारपाल उनको देखता चला जा रहा है, उनको एंट्री मिलती जा रही है। वो सराय का द्वार आज भी खुला हुआ है जिसमें लोग जख्मी होकर के आए लाए जा रहे हैं, और जख्मी दिलों का इलाज कलीसिया में हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाह होगा। 27 पद पढ़ दीजिए जल्दी से। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। दे फॉलो मी, आगाड़ी नहीं चलती हैं, वो मुझे फॉलो करती हैं। मेरे अजीजों, एक अच्छा चरवाह केवल यीशु मसीह है। और एक अच्छे चरवाहे के, एक अच्छे पास्टर में कैसे गुण होने चाहिए, कुछ बातें बताकर मैं कथन को विराम दूंगा। पहली बात, एक पासबान को या एक चरवाहे के पास अपनी भेड़ों के प्रति ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, व्यक्तिगत ज्ञान होना चाहिए। उसके जीवन में खुद जो है उसके पास ज्ञान से भरा हुआ जीवन होना चाहिए, यानी बुद्धिमान होना चाहिए वो। अगर बुद्धिमान नहीं है तो कहीं का भी दरवाजा कभी खुला रख दिया तो भेड़िए अंदर आ जाएंगे और उठा के ले जाएंगे। नंबर दो, दिव्य बुलाहट होनी चाहिए। दिव्य बुलाहट का मतलब डिवाइन कॉलिंग होनी चाहिए। जिसके पास डिवाइन कॉलिंग होती है वो, ये जैसे यीशु मसीह अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण दे चलता है और अपने आप को जोखिम में डाल लेता है, वैसे ही इस धरती पर भी जितने शेपर्ड हैं या जितने पास्टर हैं वो अपनी भेड़ों के लिए बुलाहट के अनुसार काम करते हैं, दिव्य बुलाहट। अगर आपके पास परमेश्वर की ओर से बुलाहट नहीं है तो वक्त आने पर आप, जैसा अभी हमने पढ़ा कि वो जो केवल मजदूर है, वो केवल जो मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहा है, जो केवल रोटी कपड़े मकान के लिए काम कर रहा है, वो भाग लेगा। क्या आप मेरे साथ हैं? तीसरा है, पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मनसा का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप अगर सराय के मालिक हैं, आप अगर भेड़शालाओं को, भेड़शाला को खोल के बैठे हैं और द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं,
वो भेड़ें आपको इसलिए दी गई हैं कि रोज एक भेड़ को आप काट के खा जाए। भेड़ों का दूध का अधिकार आपका है, भेड़ों पर ऊन का अधिकार आपका है, भेड़ों की सफाई करने का यानी उनकी जो देख रेख करना है, उनकी जो साफ सफाई है, लैट्रिन बाथरूम उठा करके साफ करना, बाड़े को साफ करना, ये काम, ये कर्तव्य द्वारपाल का है। अगर गंदगी नहीं उठाई गई, गंदगी में उनको रखा गया, तो आप जानते हैं कि वो बीमार हो जाएंगी और स्वस्थ भेड़े नहीं रहेंगी। तो यदि आपका अधिकार ऊन पर है और दूध पर है, तो कर्तव्य सफाई का भी है ना, उनकी देख रेख का है, केयर टेकिंग का है। उद्देश्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मनसा ठीक नहीं है तो एक दिन आपकी भेड़शाला खाली हो जाएगी, क्योंकि रोज एक काट के खाओगे तो कैसे होगा काम। उद्देश्य ठीक होना बहुत जरूरी है। मेमने को भेड़ तक परिपक्वता में पहुंचाना, ध्यान से सुनिएगा, एक मेमना जब आता है यानी छोटा बच्चा, उसको मैच्योर होने तक उसकी देखरेख करना, और जब वो मैच्योर हो जाती है, जब वो भेड़ बन जाती है, तो वो फिर गुणात्मक रूप से कलीसिया की वृद्धि होने लगती है। अगर मेमनों को ठीक रीति से देखभाल नहीं किया जाए, अगर मेमना कुपोषण का शिकार हो जाए, आजकल ये बहुत चल रहा है कुपोषण, कलीसिया में भी अगर कुपोषण है, दूध में पानी मिला करके ही अभी तक दिया जा रहा है, इसलिए आपकी जो भेड़े हैं वो जनने की लेवल पे नहीं आई हैं। कुपोषण का जो शिकार होती हैं उनको अगर हम देखें तो वो बच्चों को जो जन्म देती हैं या तो कमज़ोर बच्चे होंगे या बच्चे जन्म नहीं दे पाएंगे। तो मैच्योरिटी तक लाना ये द्वारपाल का काम होता है, ये चरवाहे का काम होता है। और उसके पीछे जो तीसरी बात मैं बता रहा था, उद्देश्य ठीक होना चाहिए। आपका अगर उद्देश्य और आपकी मनसा ठीक नहीं है सेवकाई के लिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर देना जानता है तो लेना भी जानता है, वो राजा बनाना भी जानता है तो राजा के पद से नीचे लाना भी जानता है, वो भेड़े देना जानता है तो वापस खत्ते को खाली करके किसी और चरवाहे के हाथ में भी सौंप सकता है। मेरे अजीजो, चौथी बात है, दिव्य अभिषेक होना चाहिए, डिवाइन अनॉइंटिंग। अभिषेक प्रभु के पास से मिलता है, अभिषेक बाजार में नहीं बिकता है। एक अच्छे चरवाहे के पास, यीशु को यीशु मसीहा क्यों बोलते हैं? मसीहा का मतलब होता है अभिषेक पाया हुआ, मसाह किया हुआ। एक पास्टर दिव्य अनॉइंटिंग को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, परमेश्वर की और उसकी निगाहें होनी चाहिए, प्रभु से वो पूछे कि प्रभु मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे यीशु मसीह कहता है, मैं अपने पिता को जो करते हुए देखता हूं वही करता हूं, जो पिता मुझे बोलता है मैं वही करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलते हैं डिवाइन अनॉइंटिंग, डिवाइन अभिषेक, दिव्य अभिषेक। एक पास्टर के पास एक दिव्य अभिषेक हमेशा बना रहना चाहिए। हालेलुया। व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए, आपकी भेड़ों में रुचि होनी चाहिए, कैरिंग करना, उनकी देखभाल करना, व्यक्तिगत रूप से अपने झुंड से जान पहचान रखना, निजी और सार्वजनिक रूप से उनसे मिलना। मेरे अजीजों, आप अपनी भेड़ों के लिए हमेशा मिलने का समय खुला रखें। पासबान इतने बिजी ना हो जाएं कि आपको अपनी भेड़ों से मिलने के लिए समय ना हो। हाँ, ये सच है कि जब भेड़ें ज़्यादा होती हैं तो हर एक घर में विजिट करना पास्टर के लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम है कि पास्टर विजिट नहीं करता, परंतु जिसको विजिट चाहिए वो खुद आकर के ऑफिस में, कार्यालय में मिले। चरवाहे को समय देना चाहिए। और मेरे अजीजों, जब से मैं सेवा में आया हूँ तब से लेकर अब तक प्रतिदिन मैं अपने कार्यालय में उपलब्ध रहता हूँ, ताकि मेरे लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो मुझसे मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद एक और बात
चरवाहे में होनी चाहिए, वो अच्छा नमूना होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए। लोग उसकी जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को सही करें। जब तक अगुवाई करना है, अगुवाई उनकी करनी है। अगुवाई करने का और हांकना अलग चीज होती है, हांकना नहीं है उनको, हर बात में डांटना नहीं है उनको, कभी प्यार से भी बोलना है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारी कलीसिया में बहुत सारी भेड़े होती है जो गलती करती है। चरवाहे को रखा ही इसीलिए कि वो उनको अगुवाई दे कि यहां बेटा आपने गलती किया है, ऐसा नहीं करो। हांकना एक अलग चीज होती है, हांकना नहीं है परंतु उन्हें खिलाना है, नाश नहीं करना है लेकिन उन्हें जीवन की बातें बतानी। सातवीं बात, अंतिम बात बताकर परमेश्वर दिव्य सफलता देगा। एक सफल जो सफलता जो आएगी वो परमेश्वर की ओर से आएगी, दिव्य सफलता। अपने काम में निपुण होना, एक चरवाहे के अंदर ये बातें होना बहुत जरूरी हैं। जब तक ये बातें एक चरवाहे में नहीं होंगी, पहली बात व्यक्तिगत ज्ञान से भरा हुआ होना, हर एक व्यक्ति को प्रतिउत्तर देना, हर एक व्यक्ति के दर्द को दुख को समझना और उसके समस्याओं का सुझाव देना, ये पास्टर की ड्यूटी है। दूसरी बात दिव्य बुलाहट होनी चाहिए। व्यक्तिगत बुलाहट से नहीं काम चलेगा, जबरदस्ती हम पासबानी करने घुस जाएंगे, हम निराश होकर के थोड़े दिन में भाग जाएंगे। क्योंकि पासबानी करना या भेड़ों की रखवाली करना या भेड़ों को चराना या मेमनों को चराना, इट इज सो डिफिकल्ट। कुछ लोग हमेशा पास्टर के काम को बहुत इजी लेते हैं, पास्टर क्या करता है, संडे को खड़ा होकर प्रचार कर देता है। नहीं नहीं, उसके पीछे, संडे के प्रचार के पीछे बहुत सारी और जिम्मेदारियां पास्टर के पास होती। तो दिव्य अभिषेक होना चाहिए, पवित्र उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से उसकी रुचि उस भेड़ों में होनी चाहिए। भेड़ों को कौन सी वैक्सीन किस टाइम देनी है, कौन सा टीका उस समय लगेगा, कौन सा इंजेक्शन लगेगा, कौन सा क्या होगा, आप जिससे एक भेड़ को या बकरियों का पालन जो करने वाले हैं या जानवरों का पालन करने वाले हैं, उन्हें अच्छी रीति से इस बात की नॉलेज होती है। इसी प्रकार से एक सफल सेवक के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये सब बातें जानना। और आप अपने जिस पास्टर के अधीनता में आप हैं, आप इन बातों को उनमें भी खोजने की कोशिश करें। क्या मेरे पास्टर में व्यक्तिगत ज्ञान से भरा हुआ है? दूसरा, दिव्य बुलाहट है या नहीं है? तीसरा, उद्देश्य उसका ठीक है या नहीं है? चौथा, अनॉइंटेड बाय गॉड है कि नहीं है? पांचवा, व्यक्तिगत रुचि रखता है कि नहीं हर एक व्यक्ति के अंदर? जब मेरी कलीसिया में कोई दो संडे तीन संडे नहीं आता, मैं फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ क्यों नहीं आए, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। लेकिन मुझे शिकायत है उन लोगों से जो फ़ोन ही नहीं उठाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, एक चरवाहा फ़ोन करके उनसे पूछना चाहता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाते, मिस कॉल का भी जवाब नहीं देते। चलो एनी हाउ, जो भी है, लेकिन एक अच्छा नमूना और एक दिव्य सफलता परमेश्वर की ओर से। एक सफल पास्टर के रूप में आप इन सब बातों को देख सकते हैं। अगर ये सब बातें आपके पासबान में हैं, कंटिन्यू करते रहिए, परमेश्वर एक दिन ज़रूर अद्भुत आश्चर्यकर्म करेगा। असली चरवाहा यीशु मसीह है। भजन 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। और इस दुनिया में असली चरवाहा, अच्छा चरवाहा केवल यीशु मसीह है, जिसने आकर हम भेड़ों को, कोई भी भेड़ों को। अब कई बार ऐसा बोलते हैं लोग कि भाई हम तो प्रभु के दास के पास, उस कलीसिया के मेंबर थे, हमने जाना बंद कर दिया या हम नहीं आते तो
एक भटकी हुई भेड़ को जो है वो ढूंढने जाना चाहिए चरवाहे को। ये बात सच है कि एक कोई भी भेड़ को ढूंढने जाना है, लेकिन कौन सी कोई भी भेड़? जो सृष्टि में खो गई है, वो वाली भेड़ को। वो भेड़ जो खो करके भेड़शाला में आ गई, भेड़शाला में आने के बाद कुछ समय आप भेड़ बकरियों के समान रहे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने आपको भेड़ तक नहीं रखा है, अब आप उसकी भेड़ नहीं है। यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप उसके बेटे और बेटियां बन गए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, आपने उस पर विश्वास किया, खोए हुए थे, यीशु गया, कोई आया आपके पास, यीशु की तरफ से कोई आया और आपको लाकर गले में शामिल किया, आपने पश्चाताप किया, मन फिराया, पवित्र आत्मा के आज्ञा के अनुसार डूब का बपतिस्मा लिया, और डूब के बपतिस्मे के बाद आप उसके बेटे और बेटी बन गए, नॉट भेड़। अब आप उसकी भेड़े नहीं रहे, परंतु आप उसके बेटे और बेटियां बन गए, आप उसके लेपालक पुत्र और पुत्री बन गए। यू आर अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ क्राइस्ट। और बेटा और बेटी यदि घर को छोड़कर चला जाता है, ध्यान से सुनना, बेटा या बेटी घर छोड़कर चला जाता है, जानबूझ के छोड़ के जाता है, किन्हीं कारणों से चला जाता है, अपने हिस्से को लेकर के चला जाता है, उसको ढूंढने यीशु मसीह नहीं जाता है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम देखते हैं कि जो पुत्र अपनी मर्जी पूरी करने के लिए छोड़ के चला गया। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के परमेश्वर के बेटे और बेटी बन जाते हैं। अब बेटा बेटी बनने के बाद फिर वो थोड़े दिनों के बाद अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, हमारी मर्जी पूरी नहीं हो रही है तो हम चलो जी कलीसिया छोड़ देते हैं, बाप का घर छोड़ देते हैं और छोड़कर कहीं दूर देश में निकल जाते हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। उड़ाऊ पुत्र की कहानी को आप अच्छी रीति से जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र का पिता उसे लेने, समझाने, मनाने नहीं गया, बट ही इज वेटिंग, वो उसका इंतजार करता रहा कि मेरा बेटा एक दिन लौट के आएगा, और किसी प्रकार की कोई सप्लाई भी नहीं दी, और सप्लाई नहीं देने के कारण ही वो इस स्थिति में आ गया कि जहां वो राजाओं के संग बैठ करके राजाओं की तरह भोजन करता था, आज सूअरों के बीच में रह रहा है और भोजन कर रहा है। फिर भी उसको मालूम होने के बावजूद भी उसके पास वो मनाने नहीं गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है, वो फलाना परिवार नहीं आ रहा है, वो फलानी बहन नहीं आ रही है। भाई खोयों को ढूंढना, उनको लेके आना आया तो हमारा काम है। ये जो बेटा बेटी नाराज होकर के चले जाते हैं, उड़ाऊ पुत्र का बाप ढूंढने नहीं गया। क्या आप मेरे साथ हैं? उड़ाऊ पुत्र का पिता उड़ाऊ पुत्र के लौटने का, स्वयं लौटने का इंतजार करता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि उसका बेटा उसके पास वापस लौट के आया। जब वो लौट के आया तब बाप का रोल वापस शुरू होता है। बाप का रोल वहां शुरू होता है जब वो लौट के पश्चाताप करके वापस लौटता है। आप देख लीजिए, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में मनाने नहीं गया पिता, क्योंकि वो उसका बेटा था। कोई भी भेड़ को ढूंढने जाना, क्योंकि वो नासमझी थी, वो नासमझी में फंसे, भेड़ जो है वो नासमझ थी, वो सृष्टि में उलझ गई थी, इसलिए सृष्टिकर्ता खुद आकर के उन्हें ढूंढने आ गया। लेकिन उड़ाऊ पुत्र तो समझदार था। कुछ लोग बहुत समझदार हैं, समझदारी के बाद भी कलीसिया छोड़ देना, पिता का घर छोड़ देना, वो मामूली बात समझते हैं। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तुम अपने आत्मिक पिता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हो, एक दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, तब उस दिन तुम्हें एहसास होगा, ओह कैसा होता है एक आत्मिक अगवे को इस प्रकार का घात देना। मेरे अजीजों, अक्सर दूसरी कलीसिया से जब कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अपने पास्टर के पास जाओ, अपने पास्टर की अधीनता में रहो,
मैं उस बात से कभी खुश नहीं होता हूँ, और मेरा परमेश्वर इस बात से खुश होता है कि मैं ऐसा उनको बोलता हूँ। और इसलिए मुझे एक मेमना नहीं, रोज कई मेमने देता है, क्योंकि मेरी मनसा उनके प्रति ठीक है। मैं किसी पासवान का दिल दुखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं हमेशा जो दूसरी कलीसिया से मंडली से आते हुए लोग, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, नहीं तुम अपनी मंडी में जाओ, अपने पास्टर के पास जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा दिल दुखाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बेटा या बेटी चला जाता है, मैं उसका इंतज़ार आज भी करता हूँ, कल तक करता रहूँगा, जब तक वो लौट के नहीं आएगा मैं इंतज़ार करूँगा। खुला हुआ है द्वार। आज शाम हमने चरवाही की क्वालिटी को देखा। पहले बार हमने देखा भेड़, उसके बाद भटकना कहाँ, और तीसरा चरवाह कौन है। और असली सच्चा चरवाह यीशु मसीह है। हम केवल इस दुनिया में उसके द्वारपाल हैं, हम केवल इस दुनिया में केयरटेकर हैं। जैसे एक सराय का मालिक केयरटेकिंग करता है, वैसे ही मैं और आप हैं। मेरे प्रिय लोगों, यदि परमेश्वर का वचन आपको समझ में आया हो तो उसे स्वीकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। असली चरवाहे कैसे होते हैं प्रभु, उसके बारे में आपने हमको बताने के लिए फजल दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। पिता, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में काम करे, हम घटे तू बढ़े। प्यारे परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं उनको चंगा कर, और जो प्रभु निराश है उन्हें आशावान बना। और प्रभु प्यारे खुदावन, हर एक के बंधन टूट के गिर जाएं। और विशेष तौर से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तेरी सामर्थ लोगों के जीवन में काम करे, हम घटे तू बढ़े प्रभु, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को प्यारे खुदावन, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष दे। यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना कराने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें, और हमारे लिए प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, और साथ में डेली वेड कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। और जिन लोगों ने वीडियोस बना के भेजे हैं, उन वीडियोस को हम बारी बारी से डालेंगे आपके उत्साहवर्धन के लिए, और आपने हमारा उत्साहवर्धन किया उसके लिए धन्यवाद। यदि आप इस सेवकाई को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल भी स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।